प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान से मानो कांग्रेस को एक बूस्ट सा मिल चुका है, क्योंकि हाईकमान ने राज्य में जंबो कार्यकारिणी बढ़ा दी है और इस बड़ा दांव यहां पर कांग्रेस की तरफ से खेला गया। नेतृत्व को लेकर उलझी हिमाचल कांग्रेस को एकजुट करने और विधानसभा चुनाव 2022 जीतने के लिए पार्टी हाईकमान ने प्रदेश में वीरभद्र सिंह कार्ड खेल दिया है। उपचुनाव में तो सहानुभूति थी, लेकिन हाईकमान ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने का साफ संदेश दिया है। ये भी हो सकता है कि पार्टी को उम्मीद है कि जैसा करिश्मा वीरभद्र सिंह के नाम पर उपचुनाव में देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में भी करिश्मा ऐसा ही देखने को मिलेगा। बेशक कांग्रेस हाईकमान ने जंबो कार्यकारिणी गठित कर दी है, लेकिन कई गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने का ये अच्छा प्रयास माना जा रहा है। पार्टी ने 4 वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ साथ पदाधिकारियों की लंबी लिस्ट जारी की है। सियासी पंडित मानते हैं कि हाईकमान के इस फैसले के बाद विरोध की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस में इससे पहले तक वीरभद्र सिंह, कौल सिंह ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू धड़ा सक्रिय रहा है, लेकिन नई कार्यकारिणी में सभी गुटों के नेताओं और जिलों को नेतृत्व दिया गया है। ये मान सकते हैं कि हाईकमान ने गुटबाजी खत्म करने के लिए सभी को परफॉर्मेंस दिखाने का जिम्मा दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए क्षेत्रीय संतुलन बिठाने का भी प्रयास किया है। प्रदेश की सत्ता की चाबी तय करने वाला कांगड़ा जिला इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा फोकस है। कांग्रेस ने इसकी अहमियत को देखते हुए 9 पदाधिकारी कांगड़ा जिला के संगठन में शामिल किए हैं। इसी तरह सभी जिलों को कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस में लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को बार बार पद से हटाने के लिए दिल्ली दरबार में शिकायतें दी जा रही थी। विरोधी गुट के नेता कई बार अज्ञात पत्र जारी करके भी राठौर के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। यही कारण है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब एकजुटता के निर्देश दिए हैं और सभी अटकलों पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का 4 वर्किंग प्रेसिडेंट का ये फॉर्मूला कितना सफल साबित होता है, क्योंकि पंजाब में तो ये फॉर्मूला फेल साबित हुआ। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे आगे देखना होगा कि हिमाचल की सियासी गलियारों में होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।